नमस्कार, हिंदी टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अविरल और आज बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की खास खबरों की। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए ताजा जानकारी। मनाली लेह मार्ग बंद, नेहरू कुंड के पास सड़क पर गिरी चट्टान, काजा रोड भी ठप। लाहौल स्पीति के अंतर्गत दोरनी मोड़ के पास चट्टाने गिरने से NH 505 गाफो काजा मार्ग अवरुद्ध हो गया है। इसके अलावा मनाली लेह मार्ग पर भी नेहरू कुंड में विशाल काय चट्टान सड़क पर आ गई है। यहां कई वाहन सड़क पर फंस गए हैं। मनाली लेह मार्ग यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं शिमला में महली शोगी बाईपास पर हुआ भूस्खलन, मार्ग हुआ बंद। हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश के कारण जगह जगह लैंडस्लाइड होने की घटनाएं अब लगातार सामने आ रही हैं। सोमवार को प्रदेश की राजधानी शिमला में महली शोगी बाईपास रोड पर काफी भूस्खलन हुआ है, जिसके कारण मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। रोड बंद होने की वजह से वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। वहीं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल में लैंडस्लाइड के कारण लगभग 22 लिंक रोड और 3 राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हुए हैं। NH 5 पर फिर गाड़ियों के लिए हुआ बंद। किन्नौर में बारिश से बदहाल और ज्यूरी के पास भारी लैंडस्लाइड से थमे पहिए। एक बार फिर से जिला किन्नौर को जोड़ने वाला NH 5 भारी भूस्खलन के कारण बाधित हो गया है। रविवार को 2 जगह ज्यूरी और बदहाल में पहाड़ दरक गए हैं, जिसके कारण NH 5 पर आवाजाही ठप हो गई है। हिमाचल में 28 सड़कें अभी भी जाम। बारिश से जगह जगह पहाड़ी दरकने से आवाजाही हो रही है बंद। कुछ स्थानों पर भारी बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य के मैदानी व मध्य पर्वतीय इलाकों में शनिवार रात से रविवार देर तक बादल बरसते रहे। वहीं उच्च पर्वत श्रृंखलाओं पर हल्की बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है। इसके अलावा बेटी के जन्म पर 51,000 और शादी पर मिलेंगे 75,000। जी हाँ, कामगारों को 2 बेटियों तक प्रति बेटी 51,000 की FD दी जा रही है। वहीं बेटी की शादी पर 31,000 से बढ़ाकर अब 75,000 रुपए दिए जाएंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के साथ विशेष लाइव बातचीत करते हुए कामगार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर राकेश शर्मा बबली ने यह जानकारी दी है। राष्ट्रपति के दौरों से पहले रिट्रीट के 3 कर्मचारी हुए कोरोना संक्रमित। जी हां, प्रशासन हुआ सतर्क। राष्ट्रपति द्वारा सबके होंगे कोरोना टेस्ट। विधानसभा पीटर ऑफ रिट्रीट में होंगे परीक्षण। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शिमला दौरे और विधानसभा के विशेष सत्र के संबोधन से पहले तैयारियां तेज हो गई हैं। ऐसे में फैसला किया गया है कि पीटर ऑफ पुलिस मुख्यालय शिमला तथा रिट्रीट में सत्र से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों का RT-PCR टेस्ट 13, 14 और 15 सितंबर को करवाया जाएगा। मणिमहेश के कमल कुंड में 3 लाशें, पुलिस टीम घटनास्थल के लिए रवाना। बता दें कि रविवार को भी कमल कुंड में एक शव देखे जाने की सूचना मिली थी, जिसे लाने के लिए पर्वतारोही और पुलिस की एक संयुक्त टीम मौके की ओर रवाना हुई है। बहरहाल अब अन्य टीम भी मौके की ओर भेजी जा रही हैं। पॉजिटिव होने पर 30 दिन में मौत मानी जाएगी कोरोना डेथ, केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की मुख्य खबरें। ऐसे ही हमसे जुड़ते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए घूमो जी भर के।